दिल्ली और एनसीआर में खतरनाक हालात हो गए हैं। हवा में जहर का स्तर और बढ़ गया है। कल की तुलना में स्थिति और गंभीर दिख रही है। धुंध भले ही इस वक्त कम हो, लेकिन एक्यूआई का स्तर बता रहा है कि राजधानी में हालात बिगड़ चुके हैं। सुबह 5 बजे के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर एक्यूआई का स्तर 500 है। कल ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई और अदालत ने सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए, फटकार भी लगाई। कोर्ट ने ग्राफ 4 को लागू करने में देरी पर सवाल पूछे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद आज से दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाकों में 12वीं तक के क्लासेस ऑनलाइन मोड में कर दिए गए। पिछले 5 दिन का एक्यूआई आप देखिए, 15 नवंबर 396, 16 नवंबर 417, 17 नवंबर 441, 18 नवंबर 493 और 19 नवंबर 494, यानी कि आज लगभग 500 के करीब एक्यूआई पहुंच चुका है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगातार सवाल उठा रहा है कि ग्राफ 4 पहले क्यों नहीं लागू किया गया जब 400 के पार एक्यूआई पहुंच गया था। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र बहादुर, कल हमने आतिशी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें उन्होंने दिल्ली का तो एक्यूआई बताया, लेकिन अन्य राज्यों में कैसे एक्यूआई का स्तर बढ़ रहा है और कैसे दिल्ली से ज्यादा है, उसको एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया कि यहां पर तो है ही, अन्य राज्यों में है तो आप दिल्ली पर ही क्यों सवाल उठा रहे। ये तो किसी बात का हल नहीं होना ना। तो दिल्ली में एक्यूआई का 450 का स्तर पार हो चुका है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी पर भरोसा क्यों किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सख्त सवाल पूछे हैं। निर्माण पर निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है? जितेंद्र अपना जवाब दीजिए। तो प्रदूषण की मार आम आदमी सह रहा है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर ढिकरा फोड़ने में लगी हुई है। सुनिए कैसे। पार्टी कहती है कि हम जिम्मेदार हैं, वो जवाब दें। जहां बहादुरगढ़ में सीवियर पोल्यूशन लेवल है, जहां पटना में सीवियर पोल्यूशन लेवल है, जहां लखनऊ में सीवियर पोल्यूशन लेवल है, जहां भिवानी में देश के पूरे नॉर्थ इंडिया के तकरीबन हर शहर में आज वेरी पुअर या सीवियर पोल्यूशन लेवल पहुंच गया है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? क्या मध्य प्रदेश में पराली जलने के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? क्या उत्तर प्रदेश में पराली की घटनाएं बढ़ने के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? क्या राजस्थान में पराली की घटनाएं बढ़ने के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। देश भर में अगर पराली जल रही है, उस समस्या का समाधान करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है और उन्हें राजनीति करने के बजाय इस समस्या का समाधान करना चाहिए। और पंजाब सरकार ने दिखा दिया है कि इस समस्या का समाधान संभव है। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद कैसे असर दिखा है? 12वीं तक की क्लासेस को ऑनलाइन कर दिया गया है। डीयू जेएनयू में भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। 23 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। ये गौतम बुद्ध नगर में भी अब लागू हो गया है, कल तक ये लागू नहीं था, आज से लागू हो गया है। गुरुग्राम में भी 23 नवंबर तक सभी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस होंगी और 12वीं तक की छुट्टी फरीदाबाद में भी कर दी गई है। ये सुप्रीम कोर्ट की फटकार का असर तमाम राज्यों के स्कूल प्रशासन और उनसे जुड़े आदेश पर हुआ है। ग्राफ 1 15 अक्टूबर को लागू किया गया था, ग्राफ 2 22 अक्टूबर को, ग्राफ 3 15 नवंबर को, लेकिन ग्राफ 4 लागू किया गया 18 नवंबर को। ताजा एक्यूआई आप देखिए, बवाना में 500 का लेवल पहुंच चुका है, मुंडका में भी 500 है और रोहिणी में भी 500 एक्यूआई दर्ज किया गया है। सुबह 6 बजे के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। पंजाबी बाग में 498 यानी कि लगभग 500 के करीब, नजफगढ़ में 491, वहीं द्वारका में 496, वजीरपुर में 500, अशोक विहार में 500। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 499 एक्यूआई, श्री अरबिंदो मार्ग में 490, विवेक विहार में 500, औसत एक्यूआई लगभग 494, सोनिया विहार में 500, जहांगीरपुरी में 500, ज्यादातर जगहों पर 500 एक्यूआई
दिख रहा है फटफड़गंज, पूसा, शादीपुर, इन तमाम जगहों पर। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, ये जो ढीकरा फोड़ा जाता है ना, इसमें आम आदमी पिस रहा है, इसमें आम आदमी को समझ नहीं आ रहा कि वो सांस कहां जाकर ले। आतिशी ने तो बहुत आराम से कह दिया कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार ये कहती है कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर रही, तो आप सिर्फ अलग अलग राज्यों के आंकड़े गिनाकर अपने कंधों से ये बोझ हटा नहीं सकते। जी बिल्कुल अंततः नेहा, जिम्मेदारी सरकारों की है, लेकिन यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि सरकारें जो है वो एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और आपको बता दें कि ये वो जगह है जहाँ पर ना सिर्फ देश के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं बल्कि दिल्ली वासी भी काफी भारी संख्या में पहुंचते हैं। आप तस्वीरों में देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा आपको तस्वीरें एक बार दिखाएं। राजनीति भी यहाँ पर काफी हो रही है, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली के वो यहाँ पर पहुंचे और आप देख सकते हैं कैसे एक स्पेशल मास्क जो है वो उन्होंने आज पहना हुआ है और वो धरना दे रहे हैं। जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह का प्रदूषण इस वक्त दिल्ली में, उसके खिलाफ इनके हाथ में कई तख्तियां भी हैं जिसमें लिखा हुआ है केजरीवाल शासन में दिल्ली बनी गैस चेंबर, और इसी के साथ साथ प्रदूषण की मार है, दिल्ली वाले हो रहे बीमार हैं। तो इस तरह की बातें जो है वो यहाँ पर इन नेताओं के द्वारा की जा रही है, लेकिन अंततः जो है वो दिल्ली वासी ही पिस रहे हैं क्योंकि पिछले दो हफ्तों से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, वायु की गुणवत्ता काफी खराब है और बेहद खराब श्रेणी में इस वक्त वायु गुणवत्ता है, जो ये दर्शाती है कि लोगों को इससे काफी बीमारियां हो सकती हैं। आप एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन है और काफी भारी संख्या में देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर आते हैं और लोग जब बाहर से दिल्ली आते हैं तो उनको काफी सांस संबंधी शिकायतें होती हैं। हालांकि सरकार ने कुछ उपाय भी करने की कोशिश की है। एक तस्वीर और यहाँ पर लौटूंगी आपके पास। बीच आगरा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, वहां पर जबरदस्त धुंध है, हालात ऐसे है कि धुंध में ताजमहल ओझल सा हो गया है। आगरा में भी प्रदूषण का स्तर वहां के लोगों को चिंता में डाल रहा है, कई दिनों से हवा की गुणवत्ता काफी खराब है और ऐसे में आगरा की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे जहां पर ताजमहल धूमिल सा दिखाई दे रहा है, धुंध की एक सफेद चादर ने ताजमहल को अपनी आगोश में ले लिया है। लेकिन ये दरअसल ठंड का असर नहीं है, ये प्रदूषण की मार है और ये देश के अलग अलग हिस्सों में दिख रही है, खासतौर पर उत्तर भारत के कई इलाकों में, जिसका जिक्र कल यहां की सीएम भी कर रही थी। दिल्ली की सीएम ने कहा कि पटना में भी AQI ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर ज्यादा है, जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर ज्यादा है। वहां पर क्यों नहीं लोग सवाल पूछते हैं कि पराली क्यों और कितनी जलाई जा रही है, ऐसे दिल्ली से सवाल पूछा जाता है आखिरकार ऐसा क्यों है, यानी कि ये ढीकरा लगातार एक दूसरे पर मढ़ा जा रहा है।